नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं संगीत के सुल्तान, नाटी किंग कुलदीप शर्मा। कुलदीप जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। कुलदीप जी, बहुत सी बातें होनी हैं, करनी हैं। आपकी निजी जिंदगी के बारे में, कैसे संगीत की ओर आप मुड़े, कब मुड़े, क्या मुश्किलात पेश आई, ये होंगी। लेकिन सबसे पहले नाटी किंग से कुछ सुनना पड़ेगा, और वो भी ऐसा जिसने रातों रात आपको स्टार बना दिया, और वो गाना भी ऐसा जिसने न सिर्फ जिलों की सीमा लांघी है, राज्यों की सीमाएं लांघ दी। तो हो जाए फिर। बिल्कुल सर, गाना मैं आपको सुनाता हूँ। रोडू जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो, जाना जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो, और रोडू जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो, जाना जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो। ओ जाना जाना मेरी, ओ जाना जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो, ओ जाना जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो, रोडू जाना मेरी अम्मी है, रोडू जाना हो। ओ गुल्ली डंडे नहीं, ओ गुल्ली डंडे नहीं खेलना, आंख फुटो हो, फुटो फुटो मेरी अम्मी है, आंख फुटो हो। बहुत खूब। कुलदीप जी, कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से, परिवार के बारे में थोड़ा बताइएगा। डॉक्टर साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला, ठियोग तहसील तबांदरी पंचायत पटरोग गांव का रहने वाला हूँ सर जी। और परिवार का कैसा, आपके फादर मदर, आपकी माता जी? मैं बहुत छोटा था जब से मुझे गाने का शौक पैदा हुआ। मेरे माता स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी लोक गायिका थी। जब जब भी उनको मैं गाते हुए देखता था, सुनता था, तो मुझे भी गाने का शौक पैदा हुआ। और डॉक्टर साहब, मैं बहुत छोटी सी उम्र में, 16 साल की उम्र में मैंने ऑल इंडिया रेडियो से गाना शुरू कर दिया था। अरे वाह। शिक्षा कहाँ तक फिर? बिल्कुल सर, शिक्षा यही कहूँगा कि सर शिक्षा तो फिर वहीं रह गई, क्योंकि बचपन में मुझे गाने का शौक पैदा हो गया। जब मैं अपनी 11th क्लास में पढ़ता था, तब से मेरे गाने ऑल इंडिया रेडियो से चलने शुरू हो गए थे। तो टीचर भी मुझसे, टीचर पढ़ाते कम थे, गाने ज़्यादा सुनते थे, तो जब टीचर मुझे गाते हुए देखते तो उन्होंने मुझे यही बोला कि बेटा अब आप ढोलकी ही बजाओ। और वो जब आज भी मुझे वो टीचर मिलते हैं, कॉपी बस्ता छोड़ दो। हाँ, बिल्कुल। जब वो टीचर मिलते हैं तो वो मुझे बोलते हैं, प्रेरणा ही थी। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब जब वो मिलते हैं तो वो, जब टीचर ऐसा कहते हैं कि बेटा आज आपकी ढोलकी सक्सेस होगी, तो सर डॉक्टर साहब बहुत अच्छा महसूस होता है। आप नाटी किंग हैं, हमने सुना है कुछ, आपने वैसे तो बहुत कुछ गाया है, अपने लिए भी कुछ गा लिया है आपने, वो क्या है? हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने लड़कियों पे, अच्छा, हिमाचल पे बहुत गाने गाए और लिखे। तो ऑडियंस ने मुझे कहा कि आपने इतने लोगों पे, अपनी इतनी लड़कियों पे गाने लिखे हैं, कुछ आप अपने लिए भी कुछ अपना गाना बनाओ। तो सर मैंने फिर अपनी प्रेज में एक गाना, नाटी किंग दे ठिकाने, तो वो मैं गाना आपको सुनाता हूँ। ओ नाटी किंग दे ठिकाने बलिए, कोई भी ना जाने बलिए, वो सारे देशों की लाऊ रौनको, गाऊ नोए नोए गाने बलिए, ओ नाटी किंग दे ठिकाने बलिए, कोई भी ना जाने बलिए, वो सारे देशों की लाऊ रौनको, वो गाऊ नोए नोए गाने बलिए, मेरी पिती चिंता तो ही रोडू रे ओ नाटी, मेरी पिती चिंता तो ही रोडू रे ओ नाटी, बात कहते बोल दी नहीं ऐ दो घाटी, बाटनो लागो नाच दी, वो सारे गबरू दीवाने बलिए, वो नाटी किंग दे ठिकाने बलिए, कोई भी ना जाने बलिए, नाचो तो ही जोन सारे सारा, घर वाले नाचो तो ही जोन सारे सारा, नाचना को शोर मेरी तारा रा 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 रा, शिमले रा देसी कलाकार।
अब शिमले रा देसी कलाका तू बिना पछाने बलिए ओ नाटी किंग दे ठिकाने बलिए कोई भी ना जाने बलिए। वाह आनंद आ गया। थैंक यू। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रेडियो पे भी आपने जब गाया था उसके बाद आपकी कैसेट रिलीज हुई हैं। सबसे पहले कैसेट कौन सी थी? डॉक्टर साहब मैंने 99 में एक कैसेट निकाला था रुला के गया सपना। हाँ। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे गाने गाए थे पर देखिए सर डॉक्टर साहब कि वो मार्केट में वो गाने हिट नहीं हो पाए। तो निराशा भी हुई होगी? बिल्कुल निराशा हुई सर बिल्कुल। ऑडियो मेरा वो बहुत कम बिका तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कुछ नया करूँ तो रिमिक्स मैंने मुझे रिमिक्स किंग भी लोग कहते हैं नाटी किंग भी कहते हैं रिमिक्स किंग भी कहते हैं। तो डॉक्टर साहब मैंने सन 2000 में एक मैंने अपना रिमिक्स ऑडियो निकाला जो कि 4,00,000 कैसेट वो बिका होगा। ऑडियो का वो जमाना हुआ करता था। धमाल क्या था वो? धमाका 2000। हाँ, धमाका 2000। धमाका 2000 तो 2000 में निकाला था वो। हाँ उसका नाम ही 2000 में निकाला फिर धमाका 2000 उसका नाम था। तो धमाका करो ना फिर। बिल्कुल सर उसका एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ। और डॉक्टर साहब ये गाना उस समय इतना पसंद किया था कि स्कूटर पे भी मैंने वो गाना मतलब बजते हुए सुना है। देखने जोगा ना मुई तारुआ हो मुंगड़ी जोगे ना रुए कानो मुंगड़ी जोगे ना हो मुंगड़ी जोगे ना तेरे कानो मुंगड़ी जोगे ना। अब डॉक्टर साहब इसमें रिमिक्स मैंने जो किया था मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। माशाल्लाह कुकुआ खोड़ोरी टेई अच्छे नी खोने बे आदमी माछो ओ थोड़ी थोड़ी ओ थोड़ी थोड़ी एहे ओ थोड़ी बोलो बातोरी ना बे टेई थोड़ी बे बातोरी ना ओ थोड़ी बे बातोरी ना देई थोड़ी बे बातोरी ना ए अरे रे अरे ये क्या हुआ कोई ना ये जाना अरे रे अरे बन जाए ना। डॉक्टर साहब कहीं नया अफसाना। क्या बात है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। माहौल बन गया है समय बन गया है ये सिलसिला जारी रहेगा। हम यूं गए और यूं लौट आए। कृपया करके रिमोट को हाथ मत लगाइएगा इंतजार कीजिए। कुलदीप शर्मा आने वाले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुलदीप जी कहावत है कि किसी भी कामयाब इंसान के पीछे किसी महिला का हाथ होता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा है? हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब मुझे परमात्मा ने धर्म पत्नी के रूप में जो मुझे जीवन साथी जो दिया है वीना शर्मा जी तो जब से वो मेरी जिंदगी में जब से वो आए तो उन्होंने मुझे संगीत के क्षेत्र में मैं आज इस मुकाम तक अगर पहुंचा हूं तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुछ उन्होंने मेरी सीडी भी डायरेक्ट की है। हाँ, पहाड़ी वीडियो सीडी जो मेरे कुछ बने हैं तो 3-4 सीडीज उन्होंने मेरी डायरेक्ट। खुद भी गाती हैं? हाँ बिल्कुल गाने का शौक है गाना गाते हैं। मेरे आगे बढ़ने में वीना शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। कुलदीप जी एक गाना और है जिसकी वजह से आपको बहुत पहचान मिली है। हो जाए फिर बंठन। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब ये गाना मैंने सन 2000 में ही ये गाना गाया था तो इस गाने सबर की है। हाँ बिल्कुल 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 वो गाना था सर बंठन बांठनो चाले जातरे जातरे। उसके बाद सर वो गाना अपने पार्श्व गायक सुखविंदर जी ने मूवी आपने देखी होगी कुरुक्षेत्र में भी वो गाना आया तो
इस गीत ने मुझे बहुत बड़ी एक पहचान दी। टी सीरीज ने गवाया आपसे? हाँ, उसके बाद टी सीरीज ने मुझे 2001 में अपनी एक उनकी निजी एल्बम थी उसमें उन्होंने गवाया था, तो मैं आपको वो अपना बांटना चाहे उनके अंदाज में भी और अपने पहले अपने अंदाज में सुनाऊंगा, फिर उन्होंने जिस तरह से वो गाना गाया था उनके अंदाज में भी सुनाऊंगा। अब उन्होंने देखी कैसे मरोड़ कर गाया, बंठन चली देखे जाती रे बंठन चली देखे जाती रे, पैरों में तेरे चांदी की पायलिया छन नन छन 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 काती रे, पठिरो ताली बोलो जाती रे जाती रे पठिरो ताली बोलो जाती रे। तिरछी नजरे नन कजरा रे समय बंद ही गया है तो ये सिलसिला चलता रहेगा। एक गाना और मशहूर, वो भी आपने अलग अलग अंदाज में गाया है ना, नीलिमा हो जाए फिर। बोलो नीलिमा नीलिमा भाई नीलिमा 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 भाई नीलिमा नीलिमा शिमले की शरता के भाई नीलिमा बोले बाके नीलिमा नीलिमा भाई नीलिमा नीलिमा शिमले ची शरता के भाई नीलिमा बोड़ बाके। दीप जी, अब तक आपकी कितनी कैसेट्स और सीडीज बाजार में आ गई होंगी? डॉक्टर साहब, मेरे 100 के करीब मेरे ऑडियो कैसेट्स मार्केट में आए। अब जब ऑडियो का जमाना हुआ करता था, और 60 के करीब मेरे वीडियो होंगे जी। हिमाचल प्रदेश का पहला जो वीडियो एल्बम था नीरू चाली घूमदी, वो हम लोगों ने ही, एक दो लोग और मेरे साथ थे उसमें, हम लोगों ने ही हिमाचल में पहली बार उतारा था। और उसके बाद ही हमारे हम लोगों को मतलब पहचानना हिमाचल में और हिमाचल से बाहर एक पहचान मिली, क्योंकि वो नया नया दौर शुरू हुआ था। तो फिर हमारे यहाँ भी तो घुमाओ ना। बिल्कुल सर, उसमें सर उसमें एक गाना था मेरा प्रीति जिंटा, उसमें मुझे विवाद भी हुआ क्योंकि जब मैंने वो मेरा ऑडियो वीडियो रिलीज हुआ, तो मैं उसके बाद जब हिट हुआ तो मैं अपना रोडवे कार्यक्रम में चला गया, तो वहाँ मुझ कुछ लोगों ने घेर लिया, भाई आपने किसको पूछ के ये गाना गाया, प्रीति जिंटा वाला रोडू से ही तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो वो कभी और बात करेंगे, पर वो मैं आपको गाना सुनाता हूँ। पौनी ठाणियों केरी की ताली एक खड़ी टिक पांचो मिनट हो मेरी बठिनो सभी तो चोरी हो जानी तू प्रीति जिंटा हो मेरी प्रीति जिंटा को खे चली तू हो मेरी प्रीति जिंटा किंदी चली तू ओ बोनी ठाणियों केरी की ताली एक खड़ी टिक पांचो मिनट हो बोनी ठाणियों ओ बोनी ठाणियों ओ बोनी ठाणियों केरी की ताली एक खड़ी टिक पांचो मिनट हो मेरी बठिनो ओ मेरी बठिनो सभी तो चौधरी दानी से प्रीति जिंटा मेरी ओ मेरी प्रीति जिंटा ओ मेरी प्रीति जिंटा को खे चली तू ओ मेरी प्रीति जिंटा किंदी चली तू ओ शाहरुख खान बोलो बणियो दाड़ी ये मेरे करना थरोलो शाहरुख खान बोलो बणियो दाड़ी ये मेरे करना थरोलो पिट दिनोरी पेंटो बामियो पूरी लगे काजोल पिट दिनोरी पेंटो बम पूरी लगे का ओ मेरी काजोलो मेरी काजोलो रियाओ तू ओ मेरी काजोलो किंदी ताली तू। मन तो नहीं कर रहा है लेकिन मजबूरी है, वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, बस हम आ ही गए समझिए। लगे घटी ना दे मैं कटरा शहर पहुंचा
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुलदीप जी, आपने पंजाबी और कांगड़ी बोली में माता की भेंटें भी गाई हैं और इनके माध्यम से भी आपके स्वर, आपके गीत, आपका संगीत प्रदेश से बाहर नॉर्थ इंडिया तक गूंजा है। ईश्वर की आपके ऊपर अथाह कृपा है। कुछ सुनाइएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने आज से 10 साल पहले एक भेंट गाई थी, जरा गेर गड्डी में ला दे, और उसको बड़ा पूरे हिमाचल और हिमाचल से बाहर पूरे नॉर्थ इंडिया ने बहुत पसंद किया जी। और इसके बलबूते मुझे बाहर जाने का भी मौका मिला। हो जरा गेर गड्डी नू ला दे, मैनू कटरा शहर पहुंचा दे, भाई बसावाड़िया मेरी मामा दे मंदिर जाना, माने आप बुला लिया। जरा गेर गड्डी नू ला दे, मैनू कटरा शहर पहुंचा दे, जरा गेर गड्डी नू ला दे, मैनू कटरा शहर पहुंचा दे, भाई बसावाड़िया मेरी मामा दे मंदिर जाना, माने आप बुला लिया। मेरी मामा दे मंदिर जाना, माने आप बुला लिया। तेरी गड्डी दा नंबर कुंजा जित लिखिया माते चुमुंडा, तेरी गड्डी दा नंबर कुंजा जित लिखिया माते चुमुंडा, भाई बसावाड़िया मेरी मामा दे मंदिर जाना, माने आप बुला लिया। मेरी मामा दे मंदिर जाना, माने आप बुला लिया। बहुत अच्छा भक्ति रस। कोई और भेंट हो जाए साथ में? बिल्कुल सर, एक मैंने कांगड़ा माता पे भेंट। ये कांगड़ी बोली में? हाँ, कांगड़ी में। तीजोता माता इना फौजिया ने मनिया, तीजोता माता इना फौजिया ने मनिया, वो प्यारी लगती ओ मिजो कांगड़ेरी माता, प्यारी लगती ओ मेरी कांगड़ेरी माँ। मेरी मैया दिखुनिया सतरंगिया, शेरा वाली दिखुनिया सतरंगिया, लाटा वाली दिखुनिया सतरंगिया। तीजोता माता इना ड्राइवरा ने मनिया, तीजोता माता इना ड्राइवरा ने मनिया, मोड़ा च जान बचाई रख दियो मेरी कांगड़ेरी माता, सोनी लग दियो मेरी कांगड़ेरी माता। मेरी मैया दिखुनिया सतरंगिया, शेरा वाली दिखुनिया सतरंगिया, लाटा वाली दिखुनिया सतरंगिया। जय माता दी। कुलदीप जी, हर इंसान के साथ ऐसा होता है, खट्टे मीठे अनुभव, अच्छा समय बुरे समय, कभी ज़िंदगी में ऐसा भी आया निराशा हुई और सोचा क्या करूं, संगीत छोड़ दूं कुछ और कर लूं, कैसा ऐसा माहौल भी हुआ, कभी ऐसा समय भी आया? बिल्कुल सर, मैंने जब शुरुआत अपने कैरियर की जब शुरुआत हुई, जब मेरा पहला जो एल्बम निकला था रुला के गया सपना, तो वो सर इतना फेल हो गया मार्केट में, तो वो निराशा थी सब। ये परमात्मा की, मेरी माता सतगुरु माता की कृपा है कि वो उसके बाद जो मैंने रिमिक्स किया वो लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि निराशा तो होती है सर। मैंने पढ़ाई तो मैं लगातार सर, मैं 3 बार, ये इस चीज़ में मैं बोलने में झिझकता नहीं हूँ कि 3 बार सर लगातार मैं प्लस 2 में फेल हुआ। टीचर ने भी हाथ जोड़ बोलता बेटा अब जाओ, अब कुछ हाँ ढोलकी पकड़ो, कुछ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तो सर ये मेरी माता सतगुरु माता की कृपा थी कि मेरी नाटियाँ पूरे प्रदेश और प्रदेश से बात हिट होगी, और आज मैं आपके भाग्य में ये लिखा था लोगों को आनंदित करना, संगीत देना सुनाना, उनको भाव विभोर करना, और ख़ास तौर से लोक संगीत में। एक गाना आपका बहुत अच्छा और धमाल मचाने वाला, शायद वो कैसेट भी या सीडी भी आपने बनाई थी। हाँ बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, लागा ढोलरा ढमाका, जहाँ भी मैं पूरे हिमाचल हाँ बिल्कुल स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस होती है आपकी। हाँ बिल्कुल सर, हिमाचल से बाहर जब भी जाता हूँ, हिमाचल में जब भी मैं अपने स्टेज की शुरुआत करूँ तो पहले मैं यही गाना गाता हूँ, तो मैं आपको सुनाता हूँ। लगा ढोलोरा ढमाका हमारा हिमाचल बड़ा बका, बड़े मेहनती मनुओ ए तिरे भगवानों की सानो। बोच डॉक्टर साहब, पैदा करू हमें सियो सब्जी खा हिंदुस्तानो हो।
थैंक यू। बहुत बढ़िया। अपने राज्य का गुणगान ना हो, तारीफ ना हो, तभी संगीत पूरा नहीं होता। टी सीरीज में आपने भजन भी गाए हैं और लोक संगीत भी दिया है, आपने दो फिल्में भी की हैं। हाँ डॉक्टर साहब, दो फिल्में मेरी आई थी, एक था अपना तेरे प्यारोरी थी, एक फिल्म थी हिमाचली शोले। तो लीड रोल में रहे आप उसमें? एक जो फिल्म थी तेरे प्यारोरी थी उसमें मैंने एक्टिंग भी करा था, हीरो। हाँ, हीरो के रोल में, और गाने भी गाए थे। बहुत अच्छे। कुछ आगे भी इरादा है? बिल्कुल, मैं जैसे मुझे अब मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, दर्शन कुमार जी टी सीरीज के जो सेकंड मालिक हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भेंटों में, आपकी आवाज़ भेंटों के लिए सूट करती है, तो मैंने टी सीरीज से बहुत से भेंटों के एक ऑडियो निकाले, सीडीज निकाली, तो मैं भेंटों में भी कुछ नया करना चाहूँगा, और मैं फौजियों के लिए, मैंने कोई आज तक गाना नहीं गाया है, तो मैं फौजियों के लिए भी कुछ नया देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा प्रदेश तो है ही ऐसा, घर घर से नौजवान है, जवान है सेना में, सेना के तीनों अंगों में, और दूसरे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं, चाहे करगिल कर लें, किसी भी युद्ध की बात कर लें, तो इनकी शान में इनके लिए गाना बनता भी था। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। कुलदीप जी, आपने ईटीवी के साथ खास बातचीत की, हमारे दर्शकों का मनोरंजन किया और लोक संगीत की छटा बिखेरी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं, हमें उम्मीद है कि आप बहुत लंबा अरसा इस प्रदेश के, देश के लोगों को संगीत की स्वर लहरियों में डुबाए रखेंगे, संगीत की खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़। नमस्कार।